नमस्कार दर्शकों, पल पल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजों पर, क्योंकि जिस तरह से वोटिंग के बाद में विभिन्न चैनल्स ने रुझान दिखाए थे, उसी के अनुसार दिल्ली में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा में हमारे साथ हैं पल पल के प्रधान संपादक श्री सुरेंद्र भाटिया जी। नमस्कार जी। सर, दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल चुका है, क्या आने वाले टाइम पर जो हरियाणा सहित गुजरात में जैसे अभी रिजल्ट कलाएंगे, लेकिन कई प्रदेशों में चुनाव होने हैं, क्या दिल्ली एमसीडी के नतीजों का दूसरे प्रदेशों पर कोई प्रभाव पड़ेगा? कमल जी, ऐसा है, ये प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो महत्वपूर्ण होगा कल का दिन जी। अगर कल गुजरात में आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर रहते हुए भी अच्छा प्रदर्शन करती है, हिमाचल में ठीक ठाक सा प्रदर्शन करती है, तो अवश्य हरियाणा पे और आने वाले जो जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उन राज्यों के चुनाव पर आम आदमी पार्टी असर डालेगी। लेकिन एमसीडी का असर जो है दूसरे राज्यों पे इतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी लगभग 8 वर्षों से सत्ता में हैं केजरीवाल जी, और उनके काम पे अब दिल्ली की जो जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, 2 बार केजरीवाल को थम्पिंग मेजोरिटी दी, इवन की 80% से अधिक सीटों पर उन्होंने विजयी बनाया, लेकिन 7 सीटें जो लोकसभा की थी वहाँ मोदी के समर्थन में पूरी दिल्ली गई। एमसीडी में अवश्य 15 वर्षों से बीजेपी थी, लेकिन एमसीडी में जिस ढंग से कूड़े का ढेर, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया, आम आदमी पार्टी वो स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर चुकी है। 250 में से अब तक जब हम ये लाइव कर रहे हैं जी, लगभग 122 सीटों पर वो विजयी हो चुकी थी और 10 से 11 सीटों पर आगे चल रही थी। ऐसा लगता है 130 और 135 के बीच आम आदमी पार्टी स्पष्ट बहुमत लेकर एमसीडी में अपना मेयर बनाएगी। सर, क्या माने, आम आदमी पार्टी की नीतियों की जीत है या भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछले 15 साल में, अगर दिल्ली में जैसे आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कूड़े के ढेर लगाए, उसकी वजह से बीजेपी के खिलाफ वोटिंग हुई, या केजरीवाल की नीतियों पर? ऐसा है, इसको जीत तो अवश्य केजरीवाल की नीतियों पे और केजरीवाल की जो गारंटीज है, केजरीवाल की जो दिल्ली में गारंटी है, गारंटी देने में वो सफल रही है, जैसे कि 300 यूरो तक बिजली की माफी की बात थी, बसों में महिलाओं के लिए जो फ्री यात्रा थी, उसका असर होता दिखाई दे रहा है। देखो, जनता जो है वो राजनेताओं से जो फ्री के वादे करते हैं, और दिल्ली में कुछ काम भी किए हैं, खास तौर पे स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार ने काम किए हैं। एमसीडी एक दिल्ली एक छोटा यूनिट है, चाहे आबादी उसकी लगभग हरियाणा के बराबर है, लेकिन वो एक सिटी है, सिटी स्टेट है, और ऐसे में केजरीवाल का जो वहाँ पे है जलवा चल रहा है। लेकिन गुजरात, फिर मैं कहूँगा गुजरात जो है कल डिसाइड करेगा भी, गुजरात में अगर वो विपक्ष के नेता बनाकर लाते हैं तो अवश्य दूसरे राज्यों पे केजरीवाल प्रभाव डालेंगे, अगर नहीं भी आते तो भी केजरीवाल धीरे धीरे जो है वो कांग्रेस का जो खाली होता स्थान है उसको ले रहे हैं। सर, दिल्ली सरकार के 2 मंत्री मनीष सिसोदिया और जैन जो जेल के अंदर हैं ईडी के द्वारा, उनके दोनों ही क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी को हार मिली है, तो क्या माने कि केजरीवाल के मंत्रियों द्वारा जो भ्रष्टाचार किए गए थे उससे दिल्ली की जनता नाराज भी थी? ऐसा है, जैसा कि डिफरेंट जो नेशनल चैनल है जिन्होंने रुझान दिखाए थे, कुछ लोग 190 सीटें दिखा रहे थे, कुछ 200 सीटें दिखा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है, भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली में ये साबित करने की कोशिश की, बार बार कई वीडियो वायरल किए, मनीष सिसोदिया के शराब कांड को उन्होंने उठाया, तो ऐसे में अवश्य उन पे भी आम आदमी पार्टी पे भी आरोप लग रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी आरोपों से मुक्त नहीं थी, इसलिए पब्लिक ने कुछ तो उनकी जो केजरीवाल की गारंटीज थी और कुछ दोनों पार्टियों को देखते हुए, क्योंकि एमसीडी एक ये समझे नगर निगम है जैसे हमारे नगर पालिकाएं हैं, क्योंकि वो बड़ा क्षेत्र है, 70 विधायक हैं दिल्ली के, और 250 जो हैं
वो नगर पार्षद है, तो लगभग 80 से 90 हजार मतों पे एक नगर पार्षद चुना जाएगा, लेकिन वहां भी नगर पालिकाओं की तरह जो एमसीडी में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, लोगों के काम नहीं होते थे, उससे बीजेपी के प्रति लोगों की नाराजगी थी। हमारे देश की एक सबसे बड़ी जो ये विडंबना है, हम नेगेटिव पे वोट डालते हैं। ये जो वोट है केजरीवाल से जीत से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की हार है। 15 साल होने के बावजूद, 15 साल से एमसीडी भारतीय जनता पार्टी के पास थी, लेकिन छोटे स्तर पे वो उतना सुधार नहीं कर पाए जो राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय जनता पार्टी चेंज करने में सफल रही है। वो एमसीडी लेवल पे उन्होंने उतना चेंज नहीं किया, वहाँ भ्रष्टाचार भी था, गंदगी भी थी, और दिल्ली की हालत जो है, जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं और चीज़ें हैं, दिल्ली केवल नई दिल्ली कनॉट प्लेस और इंडिया गेट के स्पष्ट बहुमत। सर, ये एमसीडी चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए क्या संदेश है? देखो कमल जी, एक जो विश्लेषण तो आएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी मतों के हिसाब से, कांग्रेस पार्टी ने खास तौर पे जिन क्षेत्रों में दंगे हुए थे, जो मुस्लिम मतदाता आम आदमी पार्टी के साथ था, वो धीरे धीरे फिर कांग्रेस के साथ, कांग्रेस को सीटें चाहे 10 ही मिलने जा रही हैं, 8 सीटों पे शायद वो विजयी हुए हैं, 1-2 सीटें उनको और मिल सकती हैं, लेकिन मतों में उन्होंने अवश्य केजरीवाल को नुकसान पहुंचाया। जिस ढंग से केजरीवाल गुजरात में कल हम देखेंगे कांग्रेस को नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है, अगर कांग्रेस पार्टी के मत ना बढ़ते तो आप देखते यही सीटें 160 और 170 पहुंच सकती थी। ये हम विश्लेषण करेंगे अगले कुछ दिनों में, जब वोट प्रतिशत कांग्रेस का अवश्य बढ़ा है, लेकिन इतना वोट प्रतिशत नहीं हुआ कि वो फाइट को ट्रायंगल फाइट कर कह सकते हैं कि धीरे धीरे आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प बन रही है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प बन रही है, और वहीं जहां आम आदमी पार्टी अगर ज्यादा दिनों तक सत्ता में रहेगी, वो हो सकता है उसका विकल्प कल को आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद कांग्रेस बने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अलग राजनीति है, केजरीवाल और कांग्रेस की राजनीति जो मुस्लिम के नजदीक है, केजरीवाल की राजनीति एक छूट की राजनीति और एक प्रो मुस्लिम भी मानी जाती है, ऐसे में कांग्रेस और उनका एक वोट बैंक जो है वो एक जैसा वोट बैंक है। इस एमसीडी चुनाव में जब वोटों का प्रतिशत आएगा तो कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को कुछ नुकसान किया। सर, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, यह थी एमसीडी चुनाव से जुड़ी अपडेट। आगे जो भी कुछ होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए पल पल। धन्यवाद।